दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। तो ये जो है आप सभी के सामने SSC CHSL 2024 जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स वेट करते हैं, तो वो फॉर्म निकल चुकी है। इसमें वैकेंसीज, एज रिलैक्सेशन, डेट ऑफ बर्थ, आपकी सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, उसकी डेट, फिर फॉर्म फिलअप करने की सारी चीजें हम इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। और ये वीडियो जो है आप सभी कंप्लीट देखने के बाद ही फॉर्म अप्लाई करने जाइएगा, वरना हो सकता है कहीं मिस्टेक के कारण 1 साल आपको और वेट करना पड़ता है। तो हो सके तो अपने तरफ से भी एक बार फॉर्म जरूर पढ़िएगा सारी की सारी चीज। और कुछ भी अगर डॉट अगर हो आपके सामने तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, हम इस या तो हम उस चीज को रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे या तो फिर उसके ऊपर एक डायरेक्ट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग मेन चीजों पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, सबसे पहले मैं इस पेन को यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहूंगा। एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये जो है आप सभी का डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, डेट ऑफ सबमिशन फॉर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये है आप सभी के सामने 8 अप्रैल से लेके 7 मई तक, ठीक है। तो इस समय के बीच में आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। आज 9 तारीख आज है एंड 7 तारीख तक दिया हुआ है, तो टाइम है, तो आराम आराम से फिलअप करें। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 7/5 जो 11 बजे रात तक है। फी पेमेंट के लिए 8 तारीख है, ठीक है। और डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर करेक्शन, करेक्शन के लिए तो खैर ठीक है, सही से फॉर्म फिलअप कीजिए हो सके तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 से लेकर 11 तारीख तक आपके पास में है, ठीक है। एंड आगे चलते हैं हम। शेड्यूल ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन आपका जून से जुलाई, कहने को है जून लास्ट आप मान के चल सकते हैं, या जून लास्ट में तो शायद सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम अगर होगा तो आप जुलाई के मिड में तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टायर 2 एग्जामिनेशन के बारे में नोटिफाई नहीं किया गया है, बट आप मान सकते हो कि 3 महीने के अंदर में आपका वो भी एग्जाम हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ज्यादा कुछ मेन चीजें नहीं दी गई है कि यहाँ पे बस ये है ग्रुप सी पोस्ट विजुअली लोअर LDC JSA डाटा इंटरप्रेटर्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टेटरी बॉडीज ट्रिब्यूनल एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, मेन यहाँ पर है पे स्केल को लेकर के। ये 19,900 से 63,200 तक का है, मतलब सिंपल से कहने का मतलब हो गया कि आपका 19,900 बेसिक रहेगा, उसके ऊपर DA आपकी अगर अभी के अनुसार पे देखें तो 50% है। अगर एक सिटी में अगर आप हैं तो है HRA आपके 27% बनने वाली है। अगर आप बाई सिटी में अगर आप हैं तो वो फिलहाल है 18%, अगर आप जेड सिटी में अगर आप हैं तो 9% है, इतना ही बाकी। आपके आते आते समय तक 10-20-30% HRA हो जाएगी, ठीक है। अभी उसके बाद डाटा इंटरप्रेटर की जो है DEO की पे लेवल 4 की है, एक तो जिसमें कि बेसिक 25,500 से 81,100 तक रहने वाली, लेकिन आपकी स्टार्टिंग जो बेसिक जो होगी 25,500 होगी। फिर लेवल 5 में 29,200 से 92,300 पे है और आपकी बेसिक जो है रहने वाली 29,200। चाहो तो इसके ऊपर कैलकुलेट कर सकते हो, बाकी मैं इसके ऊपर भी इसकी एक वीडियो लाने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए। डाटा इंटरप्रेटर ग्रेड A उसका पे लेवल जो कि लेवल 4 में ही आती है। अब वैकेंसी की जहां तक अगर हम बात करते हैं तो वैकेंसी यहाँ पर आप सभी के सामने अप्रोक्स 3712 वैकेंसीज है, बट फर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। अभी पूरी की पूरी कंफर्म नहीं है, बट 3712 अगर उन्होंने दे रखा तो 3712 होगी ही, कलेक्ट हो रखी होगी, तभी इन्होंने दिया है। और इन्होंने ये बताया कि कुछ दिनों में हम उसे कैंडिडेट यहाँ पे जाके आप लॉग इन करके SSC.gov.in पे आप जाएंगे, कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाएंगे और टेंडेटिव वैकेंसीज में जाकर के आप देख सकते हैं, और यहीं से हम उन सभी वैकेंसी को ला करके वीडियो भी बनाते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट चाहो तो आप देख सकते हो, बाकी अलग चीज है। एंड यहाँ पे दिया हुआ कैंडिडेट्स में नोट डेट स्टेट वाइज और जोन वाइज वैकेंसी जो कैलकुलेट नहीं करती कमीशन, इसी के चलते हमें RTA लगाना पड़ता है। और जो आपके जोन में वैकेंसी जो है उसे दिखा उसे अगर आप जानते अगर हैं तो अगर पोस्ट फिलअप करोगे आप तो उसमें आसानी पड़ती है।
अब रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने ये कुछ यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है, रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EWS ESM PWD जो भी है इनके रिगार्डिंग यहाँ पे सारी की सारी चीज दे दी गई है थोड़ा सा वीडियो में आगे, एंड वहाँ पे हम लेके चलेंगे आप सभी को। बट धीरे 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 सब के सब आप देखते चले यहाँ पे, बाकी जरूरत नहीं है आप सभी को। यहाँ पर जो डिसेबिलिटी वाले लोग जो है यहाँ पे ये दिया गया है, नेम ऑफ पोस्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट सुटेबिलिटी कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कुछ इस तरीके से है, इसकी फुल फॉर्म भी दी गई है तो वो सारे के सारे हम नीचे देखेंगे। डाटा इंटरप्रेटर की ग्रेड ALLDC की सब अलग अलग है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखना अगर चाहोगे तो एब्रीविएशन यूज B फॉर ब्लाइंड, LV लो विजन, D डेफ, HS हार्ड ऑफ हियरिंग, OH वन आर्म, OL वन लेग, BA बोथ आर्म, BL बोथ लेग, OL वन आर्म वन लेग, CP सेरेब्रल पाल्सी, LC लेप्रोसी क्योर्ड, DW ड्वार्फिज्म, AV एसिड अटैक विक्टिम्स, MDY मस्कुलर डायस्ट्रोफी, SD स्पाइनल डिफॉर्मिटी, इन सभी के सभी। और फिजिकल रिक्वायरमेंट मतलब क्या हो गया कि ये आपको चाहिए ही चाहिए, जरूरत है। और यहाँ पे सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब अगर इतना अगर है तो आपकी चल जाने की उम्मीद है, ठीक है। एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट में कुछ इस तरीके से यहाँ पे। सिटीजनशिप की जहाँ तक बात करते हैं नेशनलिटी की, तो ये तो जनरली सब सारे लोग इंडिया के ही होते हैं, बट कुछ कुछ लोग जो हैं नेपाल के भी होते हैं, तो थोड़ा सा ये होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ दिया गया जो कि आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट जो होते हैं इंडिया के ही होते हैं और नेपाल के कुछ कुछ होते हैं, ठीक है। तो मुझे वो पता है, तो यहाँ पे हम उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते। एक और मेन चीज जो BRO के बारे में दी गई है, लोअर LDC इन BRO के कुछ कुछ मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल इफिशियंसी एंड मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ होते हैं जो अनेक्चर 15(1)-17 में दिया हुआ है, तो वहां पे उस चीज को देखने के बाद ही आप फिलअप करें तो ज्यादा सही रहेगा। एज लिमिट के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, सब मेन आप यहाँ पे आ जाओ। कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2/8/1997 एंड 1/8/2006 आर एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब 2/8/1997 से लेकर के 1/8/2006 तक ही होने चाहिए, बट कुछ कुछ रिलैक्सेबल है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दी गई। सबसे पहला SC ST, उन्हें 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। OBC के से अगर आप हैं 3 ईयर की होनी चाहिए, बट ध्यान रहे आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए, हो सके तो आप अभी से अप्लाई कर लें। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 15 से 20 दिन लगेंगे, अगर आप आज भी जाके अप्लाई करते हो, ठीक है, और थोड़ा इमरजेंसी कोटा से बनवाओ तो थोड़ा सही रहेगा। थोड़ी बहुत खर्च होती है 500-1000 रुपये, और अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन करोगे, जैसे कि बिहार से मैं हूँ तो मुझे पता है कि बिहार में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है और 2 सप्ताह के अंदर शायद वो दे देते हैं, वो जातीय आवासीय आय बना करके। 2 सप्ताह के बाद आपको 10 दिन का और समय लगता है, तो इतना दिन बन के आपके पास आ जाएगा। तो जब तक आपके फॉर्म की एप्लीकेशन डेट है तब तक अगर आपकी बन के आ जाती तो वो भी ठीक है, बट अगर बन के अगर नहीं आ रहा है तो आप अगर लेट भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म अप्लाई कीजिए, जब आप ज्वाइनिंग जब करेंगे तो उसमें भी डिपार्टमेंट वेरीफाई करवा लेगी। फिर PWBD अनरिजर्व 10 साल, PWBD OBC 13 साल, PWBD SC ST 15 साल, ठीक है, इस तरीके से कुछ है। एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये कुछ है यहाँ पे। और डिफेंस पर्सनल यहाँ पर SC ST 8 साल। फिर आप कुछ कुछ लोग होते हैं यहाँ पर जो पहले से रेलवे ग्रुप डी में है, उनकी एज क्रॉस कर रखी है, या SSC के MTS से किसी पोस्ट पे जहाँ पे प्रमोशन है नहीं, तो वो भी लोग अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर हो आप और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो उनके लिए है अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। उसके बाद SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये 45 ईयर्स ऑफ एज। फिर विडोज डिवोर्स वीमेन, इन सभी का अगर है तो एक का तो है आप सभी का, जो पहला नंबर पे जुडिशियली सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड, तो 35 ईयर्स, एंड और एक SC ST वालों के लिए तो 440 ईयर्स।
एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो हमारा था अप टू 3 ईयर्स वाला, इसमें आप जनरल और ओबीसी दोनों को काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर डेट ऑफ बर्थ कब से काउंट होगी, तो उसके बारे में ये दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट, ठीक है, मैट्रिकुलेशन वही एक्सेप्ट की जाएगी। अब इसके बाद सीधे इन सभी चीजों को छोड़िए और डायरेक्ट यहाँ पे आप आइए। यहाँ पे सारी की सारी चीजें एक सर्विसन के बारे में दी गई है, वो उन्हें पता होता है, तो उसके बारे में चर्चा करना जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी अगर होंगे एक सर्विसमैन, तो अगर आप नहीं समझ पा कर रहे होंगे, एक बार आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक स्पेशल एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन है, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है कैंडिडेट जिन्हें जो चाहते हैं कि वो कंसिडर किया जाए किसी रिजर्व वैकेंसी से या सीख कर रहे हैं ए रिलैक्सेशन, उन्हें सबमिट करना पड़ेगा कुछ कुछ सर्टिफिकेट अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। जब उन तरीके का सर्टिफिकेट उनसे मांगा जाए, तो उन्हें दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि आपकी सभी की डिपार्टमेंट ही कराने वाली है, ठीक है। जब आप सिलेक्ट जब हो जब जाओगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उस समय पर होगा आप सभी का। एंड अभी आप आगे आ जाओ। एक और बात यहाँ पे ध्यान रहे कि अगर आप ओबीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, एससी एसटी किसी के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, और अगर आपके पास डीवी के समय पे अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं रहा, ठीक है, अगर नहीं आपने अगर बनवाया है, तब तो फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास है और आप ले जाना भूल गए, तो उस केस में थोड़ी टाइम मिलती है, तो उसके लिए भी डरने की बात नहीं है। बट हो सके तो बनवा लें आप अभी जाकर के, ठीक है। अब यहाँ पे क्रूशियल डेट क्या है, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, जो कि रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लोजिंग डेट जो है वही है, जहाँ पे वो ऐसे स्पेसिफाइड नहीं है। अब ओबीसी के लिए एक और बात दी गई है कि वो अपना इंश्योर कर लें कि उनका कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो है क्रीमी लेयर में फॉल नहीं करता हो, ठीक है। तभी ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग एक और चीज दी गई है कि उनकी फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 होनी चाहिए, तो ये आप नहीं बोलिएगा, वरना थोड़ा सा मिस्टेक जो है आप सभी का दिक्कत कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ईयर इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024, ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ होता है। प्रीवियस ईयर के बेस पे आपका करंट ईयर का जो बनाते हैं ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वो होता है। और एक और बात मैं बोलूंगा, अगर आप यहाँ पे मेरे को याद पड़ गया, अगर आप ओबीसी से अगर आपको हो, तो कोशिश करें कि हर 3 साल के अंदर, क्योंकि ऐसे तो 1 साल के अंदर कराना चाहिए, लेकिन हर 3 साल के अंदर करा लें, 3 साल पूरा होने के पहले न्यू ओबीसी एक इशू करवा लें, तो ज्यादा अच्छा होता है। और अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ठीक है। बिहार का तो ऑनलाइन होता है, बाकी जगहों का मुझे उतना आइडिया है नहीं, बट वहां पे भी ऑनलाइन का ही सीन होगा, पैसे वैसे खर्च होते नहीं है ऑनलाइन में, ठीक है। तो बाकी और आगे चलते हैं, ये कॉम्पेंसेटरी टाइम के बारे में ये बताया गया यहाँ पे, जो डिसेबिलिटी जिनके पास होता है उनके लिए, इन केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड सेरेब्रल पाल्सी, द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब इज प्रोवाइडेड इफ डिसाइड बाय द कैंडिडेट, ठीक है। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब बोथ आपसे अफेक्टेड भी है, सेरेब्रल पाल्सी, द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब जो कि आपको दिया जाएगा अगर कैंडिडेट को चाहिए है तो, और अगर रिमेनिंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की अगर बात अगर करें, तो प्रोविजन ऑफ स्क्राइब जो है उन्हें दिया जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन टू द इफेक्ट दैट द पर्सन कंसर्न हैज फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एंड स्क्राइब इज एसेंशियल टू राइट एज एग्जामिनेशन न्यूज़पेपर, सीएमओ या सिविल सर्जन या मेडिकल सुपरिटेंडेंट के द्वारा ही दिया होगा सर्टिफिकेट, तभी उन्हें अलाउ किया जाएगा। फैसिलिटी स्क्राइब का जो है उन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को भी दी जाएगी जिनकी डिसेबिलिटी जो है लेस देन 40% है और डिफिकल्ट है उन्हें लिखने में, ठीक है।
और उनके लिए सर्टिफिकेट जो है एनेक्सर 1A देना पड़ेगा, तभी उन्हें मिलेगा। स्क्राइब या पैसेज रीडर जो है पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को तभी मिलेगा इफ उन्होंने अगर ऑप्ट किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय। कैंडिडेट को अपना खुद का बुद्धि के अनुसार उन्हें ये स्क्राइब की फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, और कौन चाहिए उन्हें स्क्राइब के रूप में वो वही बताएंगे। एक और चीज यहाँ पे दी गई है, अगर कैंडिडेट को स्क्राइब चाहिए तो क्वालिफिकेशन जो है स्क्राइब से एक स्टेप नीचे होनी चाहिए। टेकिंग द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑप्टिंग फॉर ओन स्क्राइब शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट डिटेल्स ऑफ हिज ओन स्क्राइब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एज पर परफॉर्मा। इतना उन्हें देना पड़ेगा कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कैंडिडेट जो है उन्हें बताना पड़ेगा कि हमारे स्क्राइब का यही इतना है मतलब एडुकेशन क्वालिफिकेशन। और कैंडिडेट्स विद डिसेबल पीडब्ल्यूडी का अनेक्सर 2A फिलअप करके देना पड़ेगा, ठीक है। फोटोकॉपी ऑफ द आईडी प्रूफ ऑफ द स्क्राइब साइन बाय द कैंडिडेट एज वेल एज द स्क्राइब विल बी सबमिटेड अलोंग विद द परफॉर्मा। जो आईडी प्रूफ जो होगी स्क्राइब की, उसमें कैंडिडेट का भी साइन लगेगा और स्क्राइब का भी। बाद में अगर ये पाया गया कि क्वालिफिकेशन जो है स्क्राइब का अगर कैंडिडेट के द्वारा नहीं डिक्लेयर किया गया तो कैंडिडेट शैल फॉरफिट हिज राइट टू द पोस्ट एंड क्लेम्स रिलेटिंग देयर टू, मतलब उन्हें पोस्ट नहीं मिलेगी। सिंपल सी चीज है, अगर वो स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो, और झूठी इंफॉर्मेशन भी ना दे तो अच्छी रहेगी, बट ना उस केस में भी आपको निकाल दिया जाता, ठीक है। अभी इस पॉइंट पर आइए, टाइम जो है 20 मिनट्स पर आवर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन्स हु आर अलाउड ऑफ यूज ऑफ स्क्राइब एस डिस्क्राइब पैरा 7.1 7.2 7.3। अगर इन तीनों पारा में अगर डिस्क्राइब किया गया कि वो स्क्राइब लेके आ सकते कॉम्पेंसेटरी टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। और अगर वो अपना स्क्राइब लेके नहीं भी अगर आ रहे फिर भी उन्हें 20 मिनट पर आवर दिया जाएगा। चलिए अब चलते हैं, हम बात करते हैं एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। अगर आप डीईओ मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, जिसके मैथमेटिक्स एज ए फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा एलडीसी जैसे डीईओ ग्रेड ए एक्सेप्ट डीईओस इन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री मेंशन्ड इन पैरा 8.1 एवर। कैंडिडेट को बस 12th क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी चीज है। और उनके रिजल्ट जो है 1 अगस्त 2024 के पहले आ जानी चाहिए, ठीक है। बाकी ये सब उतना पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप मेन यहां पे चलते हैं हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना था, एंड इस साइट पे जाकर के, ठीक है, फोटो क्लिक करते समय एक ऐसा प्लेस खोजें जहां पर एक लाइट और प्लेन बैकग्राउंड पीछे की तरफ हो, कैमरा जो है आपका आई लेवल पर हो, पोजीशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड शुड नॉट वियर, आपको ना कैप पहनना है ना मास्क ना ग्लासेस ना स्पेक्टिकल्स कुछ नहीं, ठीक है। सिग्नेचर जो है आपको अपलोड करना है जेपीईजी, जो जेपीजी फॉर्मेट में 20 KB तक की आपकी होनी चाहिए। साफ सब क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, अगर आप पुराने दिवे इन सभी पॉइंट को अगर अगर नहीं मानते और फॉर्म फिलअप करते हैं तो अगर ब्लड फोटोग्राफ या सिग्नेचर अगर खराब अगर आई तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फी जो है आप सभी के लिए 100 रुपये है। अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एसटी से बिलोंग करते हैं या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एक्सेम्प्टेड हैं आप फी पेमेंट करने से। फीस जो है आप सभी का भीम यूपीआई नेट बैंकिंग इन सभी तरीके से हो सकता है। ऑनलाइन फीस जो है 8 मई तक आपको पे करना है,
करेक्शन के लिए विंडो जो है 10 मई से लेके 11 मई तक खुली रहेगी, तो ये तो हमने पहले ही बातचीत कर लिया था। हो सके तो मिस्टेक ना ही करें, वरना कमीशन जो है चार्जेस ऑफ 200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रिसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले बार के लिए अगर आप मिस्टेक को सुधारते हैं तो 200 रुपये पर एप्लीकेशन लेंगे, बाद में 500 रुपये पर एप्लीकेशन। बाकी सेंटर्स फॉर एग्जामिनेशन कुछ यहाँ पे दिया गया है, आप देखना चाहो देख सकते हो। बाकी आपके अपने शहर में आपको एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, टायर 1 और टायर 2 दो दो एग्जाम होती है बेसिकली इसमें। नॉर्मलाइजेशन की भी सुविधा है इसमें, अगर अगर क्या मैक्सिमम सीट में होते ही है तो आपकी नॉर्मलाइजेशन भी होगी ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से। टायर 1 की अगर हम बात करेंगे तो बेसिक लैंग्वेज मतलब इंग्लिश सिंपल सी, रीजनिंग क्वांट और जनरल अवेयरनेस सारे के सारे 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क 25 क्वेश्चन 50 मार्क, ठीक है। 60 मिनट का समय आपके पास होगा 1 घंटे का, और जो जिनको स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध है या नहीं भी है तो उनके लिए जो डिसेबिलिटी में जो है 1 घंटे 20 मिनट, ठीक है। टायर 1 एग्जामिनेशन जो कंसिस्ट करेगी ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट, ठीक है। आपको हो सके तो फॉर्म भरने के समय में अपने रीजनल लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर उसमें अगर ऑप्शन अगर है तो। टायर 2 एग्जाम की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमारे सब्जेक्ट में पहले पार्ट में मैथ्स और रीजनिंग 30 30 सवाल, एक सवाल 3 नंबर के लिए, एक आवर का एक सेक्शन होगा, ठीक है। फिर सेक्शन 2 में आपका होगा इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश 40 क्वेश्चन और जीके जो है 20 क्वेश्चन, 60 से 180 नंबर का हो जाएगा। फिर सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज आपके 15 सवाल, 15 या 45, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सेशन 2 में है स्किल टेस्ट भी आपकी उसी समय पे होगी फॉर डीईओस इन डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री, 15 मिनट का आपका इसके रिगार्डिंग आपको दिया गया है नीचे में, ठीक है। मैं डायरेक्ट वहां पे लेके चलता हूँ। बाकी आप 35 की कोशिश करें एलडीसी के लिए, कि 35 का आपका स्पीड आ जाना चाहिए और मैक्सिमम चांसेस है 50 के आप कोशिश करो लाने की, अभी एग्जाम में काफी ज्यादा समय है तो आपके पास ना आ जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए, आप ट्राई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे रहा आप सभी का स्किल टेस्ट। सबसे पहले डीओ की अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ 15,000 की डिफिशन पर आवर, मतलब 15 मिनट का अगर ये है अगर है तो 1/4 मतलब 3,700 या 4,000 के आसपास में मान सकते हो, मतलब 3,750। 15 मिनट का अगर है तो आप इसमें काउंट कर लें कितना आपका स्पीड जो है कि है आने वाला है, ठीक है। 15 मिनट में आपका लगभग 27 के आसपास में आएगा, एंड यहाँ पे ये डीओ ग्रेड ए एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट, इसमें है 8,000 की डिफ्यूजन की पर आवर, तो 1 मिनट यहाँ पे आपका की डिफ्यूजन 15 मिनट में 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट के अगर आपके पास है तो हाँ ये इसी के आसपास में आएगी, और इसमें 8,000 ये सबसे इजी सा होता है, ठीक है, तो ये आप आसानी से कर लेते हैं। और एलडीसी की टाइपिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 35 वर्ड्स पर मिनट की है आप सभी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर लगभग आपको यहाँ पे जो है आप सभी का, मैंने गलती से मैं बोल दिया, ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली 50 की स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने फिर शुरू में बोला था कि 50 की स्पीड कोशिश करें पुराने की, ज्यादा ज्यादा हार्ड है नहीं,
एंड अभी सिलेबस यहाँ पे ये दिया गया जो कि आपको देख सकते हैं जाकर के, कुछ ज्यादा कुछ न्यू है नहीं, ठीक है, पहले जैसा ही है, कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं है, ठीक। एंड अगर आप 22-23 वगैरह दिए होंगे तो ऐसे मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, एक बार एक काम कीजिएगा, आप लोग सिलेबस लिखिएगा और सिलेबस दे करके पता कीजिए कि आपने ये सब पढ़ा लिखा है भी या नहीं, और अगर नहीं अगर पढ़ा है तो वहाँ पे ट्राई करें कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूट्यूब चैनल से अगर आपको मिल जाए तो सही है, ठीक है। बाकी ये सब ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, ये बस दिया गया है, अगर आप OTA करने जाओगे तो वहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं, पढ़ पढ़ के अगर करते हैं तो, उसी की रिगार्डिंग वहाँ पर दी हुई थी। अब यह नेक्स्ट वन जो मैंने आपको पहले बताया था, तो ये जो आपका CMO से इश्यू होना चाहिए, फिर ये कुछ रहा आपका इस सामने 40% वाला जो यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है, और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ स्क्राइब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट दिया हुआ है, फिर ये वाली हो गई, उसके बाद प्रोसीजर दिया गया यहाँ पे, प्रोसीजर आप चाहो देख सकते हो डाउनलोड कर करके, ठीक है, ज़्यादा इसमें ये सारे के सारे यहाँ तक प्रोसीजर दी गई है, आप धीरे धीरे फिलअप करें, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, और ध्यान रखें जब आप फॉर्म जब फिलअप कर रहे हैं तो 10th की जो फिलअप जो चाहिए होती है, 10th का जो भी डाटा चाहिए होता है, एडमिट कार्ड, ठीक है, ये सभी चीज़ें पे देने पे ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा सा भी अगर आपने मिस्टेक किया तो वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो चाहिए होता है वो यहाँ पे ऑफिस का सील आपका चाहिए होगा, ठीक है, बस कुछ इस तरीके से, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, अब सारा का सारा सर्टिफिकेट है, जिनको जिनको जरूरत है वो यहाँ पे जाएं डाउनलोड करें और बनवाएं, ठीक है, और OBC EWS इन सभी केस में यहाँ पे जो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मेट आपको खुद से दे देंगे, आप उसी बेस पे ही बनवा लेते हैं, तो ज़्यादा जरूरत है नहीं यहाँ पे क्योंकि मैं भी जब सिलेक्शन जब लिया था CA 2017 में, तो उस समय जो यहाँ पे दी हुई थी ना, तो उसका वो मानते ही नहीं है, आप लेके भी जाओगे तो कुछ बेनिफिट कुछ है नहीं, तो मैं तो यार डायरेक्ट उसी को मैं जाके जमा किया था और एक्सेप्ट हो भी गई थी, लेकिन मैं जनरल से सिलेक्टेड हुआ था वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे पता है कि वो हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, तैयारी करें एंड अच्छे से तैयारी करें, चलता हूँ मैं, थैंक यू।